हम देख सकते हो कार स्टार्ट हो गई है। हेलो दोस्तों, टेक्निकल आमिर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मर्सिडीज बेंज E63 AMG कार का मॉड इंस्टॉल करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कार मॉड को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिर्फ OpenAV की ज़रूरत होगी। उसका इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। OpenAV को इंस्टॉल कर लीजिए। OpenAV को इंस्टॉल करने के बाद इस कार मॉड को डाउनलोड कर लीजिए। इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कार मॉड को डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा। इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर आएगा, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद और एक फोल्डर आएगा, उसको भी ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद ऐड ऑन में जाइए। उसके बाद फाइल्स में जाइए। उसके बाद GTFI मेन फोल्डर को ओपन कीजिए। GTFI मेन फोल्डर को ओपन करने के बाद मॉड्स का फोल्डर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। अगर आपके पास मॉड्स का फोल्डर नहीं है तो क्रिएट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस अपडेट फोल्डर को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद मॉड्स के फोल्डर में पेस्ट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस मॉड्स फोल्डर को ओपन कीजिए। उसके बाद अपडेट में जाइए। उसके बाद H64 DLC पैक्स। उसके बाद यहाँ आपको एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना होगा। इस फोल्डर का नेम आपको रखना होगा E63 AMG। E63 AMG का फोल्डर क्रिएट करने के बाद इस फोल्डर को ओपन कीजिए। इस फोल्डर को ओपन करने के बाद एक्स्ट्रा किया वो फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ आपको एक DLC.RPF की एक फाइल मिल जाएगी। इस फाइल को अभी क्रिएट किए हुए फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। इस फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद GTFI मेन फोल्डर को क्लोज कीजिए। उसके बाद एक्स्ट्रा किए हुए फोल्डर पर बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ इंस्ट्रक्शन का एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद यहाँ आपको एक लाइन मिलेगी, आइटम DLC पैक्स E63 AMG आइटम। इस लाइन को कॉपी कीजिए। इस लाइन को कॉपी करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद OpenAV को ओपन कीजिए। OpenAV ओपन होने के बाद एडिट मोड पर क्लिक कीजिए। यस, उसके बाद मॉड्स में जाइए। उसके बाद अपडेट, अपडेट डॉट RPF, कॉमन डाटा। उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ DLC लिस्ट XML का एक टेक्स्ट आना, इस टेक्स्ट को राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ लास्ट में कॉपी की हुई लाइन को पेस्ट कीजिए। कॉपी की हुई लाइन को लास्ट में पेस्ट करने के बाद सेव कीजिए। तो दोस्तों, हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, डन। चलो अब GTFI ओपन करते हैं। तो दोस्तों, GTFI ओपन करने के बाद आप कौन से भी ट्रेनर से इस कार को स्पॉन कर सकते हो। यहाँ आपको इस कार का मॉडल नेम आपको मैनुअली टाइप करना होगा, E63 AMG। इतना टाइप करने के बाद एंटर कीजिए। तो दोस्तों, हम देख सकते हो मर्सिडीज बेंज E63 AMG कार आ गई है। ये हम देख सकते हो, ये हम देख सकते हो कार आ गई है। ये हम देख सकते हो उस कार का इंटीरियर। ओ भाई साहब, यहाँ आपको मर्सिडीज का लोगो मिल जाएगा, E63 के बैजिंग, AMG के बैजिंग।
शुभ साहब। चलो अब हम इस कार को ले लेते हैं। मैं आपको इस कार का साउंड फिर से सुना देता हूँ। यहाँ देख सकते हो कार स्टार्ट हो गई है। इसके हेडलाइट्स मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूं। यहां आप देख सकते हो इस कार का इंटीरियर। ओ भाई साहब, वो भाई साहब, इसके स्पॉइलर को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। हम देख सकते हो के फ्रंट बम्पर को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। ये हम देख सकते हो इसके चेसिस को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। ये हम देख सकते हो चलो मैं इस कार के सब डोर्स को ओपन कर देता हूँ। यह आप देख सकते हो मैंने इस कार के सब डोर्स को ओपन कर दिया है। यह आप देख सकते हो वो भाई साहब, यह आप देख सकते हो इस कार का इंजन। चलो मैं इस कार के सब डोर्स को क्लोज कर देता हूँ। चलो अब हम इस कार का नेट का लुक देख लेते हैं। यह हम देख सकते हो इस कार का नेट का लुक, इसके हेडलाइट्स, यह हम देख सकते हो इस कार के DRLs। चलो अब हम इस कार का साउंड और इस कार की टॉप स्पीड को देख लेते हैं। ओ भाई साहब, वन सिक्सटी, वन सेवेंटी, वन एटी, वन नाइन्टी, वन नाइन्टी वन। ब्रेक्स भी मस्त है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching.